आज जो हम आपके साथ सीख रहे हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस फास्ट ट्रैक बैच है और फास्ट ट्रैक बैच में हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए है। एक बार हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको मैंने इमेजेस भेजा है उसको आपने देखा ही है, फिर भी हम आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दे देते हैं शुरू होने से पहले कि क्या क्या किस दिन क्या क्या होगा। तो आपको जान लीजिए कि ये स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपका 10 दिन का प्रोग्राम है। ये आपका जो है एमआईएस एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, रिपोर्ट क्रिएशन करने वाले जितने भी है लोग हैं उनके लिए ये स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये डे वाइज है। तो पहले दिन जो आप देख पा रहे हैं कि पहले दिन हम आपको बता रहे हैं रिपोर्ट फॉर्मेटिंग एंड डेटा हैंडलिंग, दूसरे दिन होगा डेटा एनालिटिक्स एंड पिवट टेबल, तीसरा दिन होगा एडवांस पिवट टेबल और चौथा दिन हम दूसरे दिन में डेटा एनालिटिक्स और पिवट टेबल होगा, एडवांस पिवट टेबल होगा। तीसरे दिन हम यहाँ पे बात करेंगे डैशबोर्ड्स पे जो पिवट टेबल से बनाएंगे। मोर देन 100 फॉर्मूलेज आपको हम इसके अंदर कराएंगे जो कि मोस्ट यूजेज होता है। उसके बाद इसमें आपको जो है डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे एक्सेल एंड फॉर्मूले की मदद से, डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे पावर बीआई की मदद से, डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे टैबलू की मदद से। तो ये 10 दिनों का सिलेबस है। एक बोनस दिन इसमें ऐड है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि इन फ्यूचर में आप वीवीए प्रोग्रामिंग को सीख सके। और क्या है वीवीए, कैसे यूज होता है, इनके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली ये जो कोर्स आपके लिए ये होगा कि जिसके मदद से आप अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आएगी। तो काम करने लायक जितना आपको चाहिए वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरव्यू निकाल सकते हैं। नीचे जो हेडफोन का जो सैम्बल है उस पर क्लिक करके ऑडियो को सिलेक्ट करें। जी हाँ, ज्वाइन ऑडियो करके आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग एंड डेटा हैंडलिंग से। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्सेल के जो सेटिंग्स होते हैं उसमें क्या चीज है चेंज करने लायक। सबसे पहला कि जब आप सेव करते हैं तो सेव करते समय, जब भी कोई फाइल सेव या सेव एज करते हैं तो सेव एज करते समय डिफॉल्ट जो फाइल का टाइप होता है वो एक्सेल वर्कबुक और डिफॉल्ट लोकेशन आपका माय डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन ऑफिस में हर बार हर फाइल को सेव करते समय हमें अपनी लोकेशंस को चूज करना होता है। तो फाइल मेनू बार के अंदर एक्सेल ऑप्शंस के अंदर आप जो है जा सकते हैं सेव पे, जहां अपना डिफॉल्ट फाइल की पाथ और फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। यहाँ से अपना फॉर्मेट डाल दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है F2022 और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाला हुआ है, ये चीजें भी आप डाल सकते हैं। पहली, दूसरी आप देखेंगे कि आप एक्सेल सीट में जैन को लिखते हैं, एक्सेल सीट पे मैं जैन को लिख के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह से आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं संडे लिखता हूं तो संडे भी आ जाता है। तो क्या आप किसी पर्सन का नेम या किसी सिटी का नेम लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे पूजा लिख के ड्रैग करूंगा तो मेरे सिस्टम पे लिस्ट ऑफ नेम आएगा, बट आपके सिस्टम पे क्या आएगा, जस्ट पूजा पूजा पूजा। तो क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी ऑफिस में ऐसी चीजें होती है जिसमें एक लिस्ट होता है जिसको बार बार इस्तेमाल करना हो, बार बार इस्तेमाल करना होता है, हम उसके लिए बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ और करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ आपके सामने एडवांस दिखेगा। जी हाँ, एडवांस, एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद सबसे लास्ट में दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। जी हाँ, एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखिए एक्सेल, पूजा, सिटी, बैंक, इस सब के लिए कर रखा है। आई थिंक यहाँ पे सिटी भी है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप भी ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करें, न्यू लिस्ट पे जाएं और यहाँ पे लिखना चालू कर दें। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं वेबसाइट का लिस्ट लिखता हूँ कि गूगल IPT India
एक्सेल कोर्स, याहू, जीमेल, हॉटमेल, ऐसे में लिस्ट तैयार कर लिया और ऐड करके ओके कर दिया। अब किसी भी, अब देखिए एक्सेल ऑप्शन के अंदर जो भी चेंजिंग करते हैं वो पर्टिकुलर शीट के लिए नहीं, ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए होता है। अब मैं यहां पे अगर लिख देता हूं गूगल और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे लिस्ट ऑफ वेबसाइट यहां पे दिख गए। जी हाँ, लिस्ट ऑफ वेबसाइट। लिस्ट ऑफ वेबसाइट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एक काम और करते हैं, परसेंटेज का बारे में जान लेते हैं कि हमारा परसेंटेज का क्या सिस्टम है एक्सेल के अंदर। देखिए आप जब भी कोई वैल्यू टाइप करते हैं, इसमें टाइप करते हैं 20% टाइप करना है तो 20% का सैंपल दे के मैंने एंटर मारा तो यह 20% हो जाता है। लेकिन अगर मैं 20 को टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद अगर इसके ऊपर मैंने परसेंटेज लगाया तो 2000% आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। क्या होता है? 1 = 100%। इसका मतलब है कि बाद में मुझे परसेंटेज लगाना है तो 0.20 और फिर इसके ऊपर हम परसेंट का सैंपल देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे, वो क्या करते थे कि वो परसेंटेज का सैंपल इस तरह से लगा के भेज देते थे हमें। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनके हिसाब से ये होता था परसेंटेज और मेरे हिसाब से होता था नंबर, एक्सेल के हिसाब से नंबर होता था। मतलब मुझे 500 का अगर 46% निकालना है तो 46 अगर परसेंट के सैंपल में हुआ तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। लेकिन 46 इन द नंबर फॉर्मेट हुआ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजल्ट गड़बड़ आएगा। अब यहाँ पे मुझे इसको जहां यूज करना है वहां परसेंटेज चाहिए, तो हम परसेंटेज कैसे लें? तो इसके लिए यहाँ हम किसी एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे और इस 100 को कॉपी कर पूरे एक्सेल सीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमारे पास ऑपरेशंस आते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेशंस में हमने डिवाइड को सेलेक्ट करके ओके किया तो हर नंबर आप देखेंगे डिवाइड हो गया 100 से। अब मैं इस पे परसेंटेज का सैंपल डालूंगा, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने 46% आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है अपने एक्सेल में, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब हम दूसरी यहाँ पे हम दूसरी चीजों पे बात करें। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे मोटे फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद कोई चीज हमने कॉपी की, कुछ भी ऐसा गूगल पे सर्च किया, जैसे मान लीजिए हमने अबाउट, या मेरी वेबसाइट पे चलते हैं ना, iptindia.com पे मैं जा रहा हूं और मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के लिए अब मैंने इसको सेलेक्ट करके एक्सेल में पेस्ट करना है, तो नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो सही ढंग से पेस्ट नहीं होगा। तो जनरली हम एक एरिया को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे मर्ज। यहां से हमने क्या किया, मर्ज किया। मर्ज करने के बाद जब मैं इस पे पेस्ट करूंगा तो मर्ज पे आप डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो। तो डायरेक्टली पेस्ट करने के लिए हमें इस पे जस्ट डबल क्लिक करके पेस्ट करना होगा। लेकिन डबल क्लिक करके पेस्ट करने पर प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके सामने दिख रहे हैं कि सही से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे करना होगा यहाँ पे रैप। रैप करने के बाद थोड़ी सी हम छोटी भी कर सकते हैं, तो अब मेरा परफेक्टली दिख रहा है। मान लीजिए कि अब मैं 2021 पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2021 डालना चाहता हूं, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये 2019 गलत है, तो कैसे दिखाएं? सबसे पहले डबल क्लिक करते ही ऊपर एक कलर का ऑप्शन आता है, तो इसको हम रेड कर देंगे।
उसके बाद फॉन्ट डबल क्लिक रखिएगा, बाहर कहीं क्लिक मत कीजिएगा और जाइएगा फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट में यहाँ होता है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू करते ही देखिए बीच में इस तरह से क्रॉस हो गया, कट गया। लेकिन ये चीजें क्या हम कर सकते हैं, एक डेटा पे मेरे पास कुछ सेल्स की डेटा है, मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कुछ सेल्स डेटा। तो क्या हम इन सेल्स डेटा पे ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए अगर मैंने इसको बताना है कि भाई क्रॉस है, मुझे बताना है कि गलत है, तो जनरली प्रिंट आउट पे तो हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा इस तरह। लेकिन ये तो मैंने जूम का पेंसिल निकाला उससे कर दिया, लेकिन ये परफेक्टली नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बॉर्डर में जाना है। बॉर्डर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कलर को रेड करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, क्रॉस दोनों तरफ क्रॉस करके हमने ओके कर दिया। अब देखिए कहीं भी हम F4 प्रेस करते हैं, F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। आपने इससे पहले F4 प्रेस करने से पहले जो भी चीज की है उसको रिपीट करेगा जो आपके सामने दिख रहा है। अगर हमें इस पे क्रॉस करना है तो क्रॉस करने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ले लिया, क्रॉस की जगह पे जो टिक का निशान देना है तो टिक के निशान के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सेल वैल्यू, मतलब इसके जरिए आप फिल्टर नहीं कर सकते, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई फॉर्मूला वगैरह लगा सकते, बस विजुअल के लिए। आप ऐसा चाहते हैं कि सेम फीचर सही और गलत का सैंपल हमें दें और वो एवी ना हो, मतलब कि एक्सेल का पार्ट। तो यहां हमने क्या किया, कैप्स में पी और ओ ले लिया, कैप्स में पी और ओ। यहां लेने के बाद हम यहां जाते हैं कहां पे, फॉन्ट में, और फॉन्ट में आने के बाद हम यहाँ विटैनिक बोल्ड, जी हाँ विटैनिक बोल्ड पे आते हैं, नहीं बाइंडिंग टू, बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट जो कि पी को कर देता है क्या इसमें। पी को जो है वो टिक के निशान में और ओ को क्रॉस में कन्वर्ट कर देता है। ये तो छोटी मोटी फॉर्मेटिंग हुई, ये तो जनरली लोगों को आता ही है, इसकी जरूरत भी कम पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग। क्योंकि बाकी डेट वगैरह की फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेट में एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपने डेट लिखा या टाइम लिखा तो आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ कस्टम में जाके नंबर फॉर्मेट जाके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अलग अलग डेट कंट्री के लिए अलग अलग डेट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, टाइम का भी सेम ऐसा ही सिचुएशन होता है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कस्टम फॉर्मेट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है कस्टम फॉर्मेटिंग, चलिए हम बात करते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा चेक नंबर से। मान लीजिए मुझे यहाँ चेक नंबर लिखना है, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा चेक नंबर है 568512। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया 5685। लेकिन चेक नंबर में जीरो भी तो होता है, बट जीरो तो लिया नहीं, 004587 इसमें तो लिया ही नहीं इसे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंगल कोट लगाना, 001296। अब जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइप करूं तो सिंगल कोट लगा दूं, लेकिन मान लीजिए कि किसी पर्सन ने मुझे चेक नंबर भेज दिया हुआ है, अब मैं कैसे करूं, और ये डेटा काफी बड़ा भी है तो मुझे यहाँ पे जितने जीरो कम है, जितने डिजिट कम है उतने जीरो लगा देना। डिजिट कम मतलब कि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और कस्टम पे चले गए और यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 times 0 दिया, ओके करें, आपके सामने डिजिट पूरा हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में +91 लगा के लिखना चाहता हूँ,
प्लस 91 लगा के लिखने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर सिर्फ लिखूँ, प्लस 91 ऑटोमेटिक लग जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कस्टम का यूज करेंगे। कस्टम पे जाएंगे, यहाँ प्लस 91 देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेन टाइम जीरो। अब टेन टाइम जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है, पहले लोग लिखते थे, अब 1 टाइम 0 लिख दीजिए और यहाँ पे 8802579388 कर लीजिए, आपका आ जाएगा। इसी में अगर हम अकाउंट नंबर की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कुछ अकाउंट्स नंबर है। अब एक्सेल में कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो आपको 11 डिजिट तक शो करता है, 11 डिजिट के बाद 12 डिजिट जैसे लिखेंगे वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो अगर आपने 12 डिजिट से ऊपर लिख रखा है तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ कस्टम में आके कुछ नहीं एक जीरो या एक हैश, हैश की होता है वो दे दीजिए, आपका अकाउंट नंबर पूरा दिख जाए। लेकिन इसका ध्यान रखें कि एक्सेल में नंबर 15 डिजिट तक ही लिखे जा सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। अब आप इसमें नंबर ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना उसको जीरो बना देगा। 15 डिजिट तक 8 जो है 8 तक दिखा रहा है, 8 के बाद मैंने 3 डिजिट एक्स्ट्रा डाल दिए 16 17 18, उसको जीरो बना दिया, क्योंकि एक्सेल की जो कैलकुलेशन की कैपेसिटी है वो 15 डिजिट की ही है, उससे ऊपर की कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डिजिट लगाना है तो सिंगल कोड लिख के लिखते जाइए, ज्यादा डिजिट लिख जाएगा। ये तो छोटी मोटी चीजें थी, अब इसमें हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अमाउंट को लिखा हुआ, तो अमाउंट में मैंने 1500 टाइप कर दिया, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं मुझे यहाँ पे MRP 1500 चाहिए। अब मैंने मैनुअली लिख दिया, जैसे नॉर्मल लिखते हैं, तो मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ जब टेक्स्ट ऐड हो जाता है तो इसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं करते। तो क्या करें इसके लिए, तो मैं चाहता हूँ मैं टाइप 1500 करूँ, एक्चुअल में 1500 ही हो लेकिन विजुअल MRP 1500। इस काम के लिए हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग परफेक्ट है। कस्टम फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमा में मैंने MRP डाल दिया। अब ध्यान रखिए जो भी प्रीफिक्स सफिक्स लगाना चाहते हैं, मतलब नंबर के आगे और नंबर के पीछे जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद में आपको जीरो या हैश लगाना होगा, तब जाके आपका MRP 1500 शो होगा। अब इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे आप जीरो या हैश ना लगाएं तो सिर्फ MRP शो होगी, ना कि आपका डेटा शो होगा। यहाँ पे अगर हम जीरो शो करते हैं तो एक हैश एक जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दो हैश और दो जीरो डालूं तो फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे 05 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल जीरो लगाया है। तो जीरो जब भी लगाते हैं तो डिजिट को मेंटेन करता है, और हैश जब लगाते हैं तो जीरो को मेंटेन नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो आप किसी भी नंबर के आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं इस कस्टम फॉर्मेट की मदद से। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब यहां हम बात करते हैं डेट की। अब डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग तो मैंने समझाया कि हम जब भी कोई डेट लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, और अपने हिसाब के जो भी फॉर्मेट लेना चाहे हम डेट पे जाके ले सकते हैं, पर कस्टम में भी आपके साथ फ्रीडम है। कस्टम में आप यहाँ डी यूज कर सकते हैं डे के लिए, एम यूज कर सकते हैं मंथ के लिए, और ईयर यूज कर सकते हैं वाई ईयर के लिए। अब मैं एक बार डी लिखा तो यहाँ पे 2 आया, दो बार लिखूंगा तो 02 आएगा, तीन बार लिखूंगा तो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे का हाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म, एंड चार बार लिखा तो कंप्लीट फ्राइडे आएगा। अब डैश है, जो भी सेपरेटर लगाना लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर डीडी कर दिया, और यहाँ पे कॉमा महीने में सेम एम करते हैं तो आपका 1 2 3, डबल एम करते हैं 0 0 1 1 2 3, तीन बार करते हैं तो सेप्टेम्बर का देखिए 1st 3 लेटर, चार करते हैं तो पूरा सेप्टेम्बर, और
वाई वाई। तो ये कोड डी डी एम एम वाई वाई को अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज करना चाहो ऐसे मर्जी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसी चीज़ को हम टाइम को करें कि मान लीजिए कि टाइम जो है अभी का टाइम मैंने डाल दिया, अब मुझे टाइम को अपना फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए एच एच एम एम एस एस होता है। अब अगर आप ए एम पी एम का फॉर्मेट लेना चाहते हैं और ए एम पी एम लास्ट में लगाना चाहते हैं तो ए एम स्लैश पी एम कर दीजिए तो आपका ए एम पी एम आ जाता है। लेकिन किसी का डिफरेंस निकालते, जैसे मैंने किसी की ओवर टाइम 45 घंटे 56 मिनट और 33 सेकेंड निकाला हो, अब ये आपका अगर नॉर्मल फॉर्मेट में हो जा रहा है तो इस पर अगर कोई और टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वो 24 घंटे के ऊपर का फॉर्मेट नहीं दिखाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें यूज करना है, कस्टम में जाना है और बड़ी ब्रैकेट में देना है एच और यहाँ पे एम एम एस एस, एंटर प्रेस कीजिए आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है हमारे टाइम को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 45 घंटे 56 मिनट 33 सेकेंड है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मूले में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बड़ी ब्रैकेट में एच, जी हाँ बड़ी ब्रैकेट में एच को डाला और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करें तो देखें सिर्फ 45 आया। अगर मुझे मिनट चाहिए तो यहाँ पे एम डालेंगे तो आपका मिनट आएगा, अगर मुझे सेकेंड चाहिए यहाँ पे मैं सेकेंड डालूंगा तो सेकेंड आएगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग में आप करते हैं उसको यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ एक चीज और आती है कि इसका ऑफिशियली कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑफिशियली यूज क्या है। मान लीजिए तो मान लीजिए कि मैं एक डेटाबेस बना रहा हूं जिसमें नेम है, एड्रेस है और यहाँ पे कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर और यहाँ पे पासवर्ड है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे नेम मैंने पूजा लिखा, एड्रेस मान लीजिए F12 जो लिखना चाहते हैं हम लिख दिए। अब यहाँ कार्ड नंबर जो होता है वो होता है फर्स्ट के चार डिजिट और लास्ट के चार डिजिट, तो बेसिकली हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसमें बीच में क्या करते हैं एक्स एक्स लगाते हैं इस तरह से चार बार। तो कैसे लगा, क्योंकि मैनुअली टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम नंबर को इस तरह से लिखें, लेकिन जैसे ही एंटर प्रेस करें वो ऑटोमेटिकली बीच में एक्स 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 लग जाना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ कस्टम पे जाएंगे और यहाँ 1 2 3 4 फोर टाइम जीरो या हैश डाल दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में 8 बार एक्स, 4 4 का ग्रुप में डाल दीजिए और फिर स्पेस वापस 4 बार 0 या हैश डाल के ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 4 4 डिजिट अलग अलग हो गया। अब इसमें अगला एग्जांपल आता है पासवर्ड का, कि हम इसमें पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूं जब मैं पासवर्ड लिखूं तो इस तरह से ना दिखे, वो स्टार 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 हो जाए, तो यहाँ पे इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल स्टार कर देना है, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हम जो भी पासवर्ड लिखेंगे स्टार हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं। अगर मैं इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों डालूँ तो ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन में मुझे स्टार को 4 बार लिखना होगा, दो दो के ग्रुप में सेमी कॉलन को सेपरेट करके इस तरह से, सॉरी जीरो दे दिया माफ कीजिएगा, स्टार फिर स्टार फिर स्टार। अब आप नंबर डाले टेक्स्ट डाले आपका पासवर्ड इस तरह से हो जाए। अब इसमें और क्या यूज कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल और हम आपको बता सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और बता सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डेटा क्रिएट करना होगा, मैंने यहाँ पे नेम लिखा और नेम के साथ साथ नीचे हमने ये ले लिया और यहाँ मेरे पास अटेंडेंस है, मान लीजिए अटेंडेंस हमने यहाँ पे डाल देते, A12 डालते सही रहेगा, 1 2 करके 30 दिनों का अटेंडेंस है मेरे पास,
तो बेसिकली मेरी जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस नॉर्मल अटेंडेंस नहीं है, मेरी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक डेटा से आया हुआ है कि किसने अपना थम या कार्ड को कितना बार स्वैप किया है मशीन में, उसका यहाँ आया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे डेटा बना लिया, एक काम और कर सकते हैं आप, पूरे डेटा को सेलेक्ट करके किसी भी कॉलम के बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितना बड़ा कॉलम में चाहिए उतना बड़ा। अब इसकी मैं अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, पूरे एरिया को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। हालांकि ये चीज आपको आती होगी, फिर भी यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जहां जहां जीरो है वो हमारा अब्सेंट है, मतलब उस दिन बंदा आया नहीं है क्योंकि उसने कार्ड को स्वैप नहीं किया है, और जहां जहां नंबर है जैसे 8, तो मोहन ने 1 तारीख को अपना अंगूठा या अपना स्वैप कार्ड को 8 बार यूज किया है, उसकी गिनती आ गई। लेकिन मुझे ये नंबर से मतलब नहीं है, मेरा ये चीजें जो है अब्सेंट प्रेजेंट में आ जाए, तो क्या हो जाए, जीरो जो है वो अब्सेंट शो करे, मैंने ए शो करे, और प्रेजेंट के लिए पी जो है प्रेजेंट में शो करे। इसके लिए हम यहाँ कस्टम पे आते हैं, और कस्टम पे आने के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पी देते हैं। देखिए इसके अंदर जो चार हम सेपरेट किए थे इससे पहले पासवर्ड में, वो होता है निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव पे पी आना चाहिए, निगेटिव कुछ नहीं है इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, और जीरो ए होना चाहिए, और टेक्स्ट नहीं है तो उसको भी हमने छोड़ दिया सिक्वेंसली लिख के। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने कोड, पी ए और ए, क्या बोलते हैं, पी ब्लैंक ए और सेमी कॉलन सेपरेट किया, तो इस आपने सामने देख सकते हैं। और कभी कभी हमें इसमें कलर भी करना होता है कि जो अब्सेंट हो वो रेड हो जाए, तो हमें इसमें एक छोटा सा ऐड करना होता है अब्सेंट का आगे, मतलब जिसको जिसको कलर करना है उसके आगे बड़ी ब्रैकेट में आप कलर लिख दीजिए, जैसे रेड रेड लिख दिया, रेड ब्लू श्याम जंटा, ये सब चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कर लिए, तो इस तरह से हमारा यूज हो गया। अच्छा अभी मेरा जूम जो है रीस्टार्ट होगा, तो प्लीज आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 मिनट में खत्म होने वाला है, वो 45 मिनट का ही होता है, तो एक खत्म हो रहा है, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज, सेम आईडी पासवर्ड। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, सेव हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक? हाँ जी जी, हाँ जी हाँ पूछिए। ये जो आपने नाम डाला है ना कॉलम में, जैसे कि आपने एक ही नाम डाला, अब जब ब्रेक है तो बहुत सारा नाम ऑटोमेटिक आ गया आपके शीट में। जी हाँ, उसके लिए हमने क्या किया, एक फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर यहाँ यहाँ क्या बोलते हैं एडवांस में सबसे लास्ट में गया, और लास्ट में हमारे पास होता है एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके न्यू लिस्ट पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, देखिए लिस्ट बना हुआ, ये लिस्ट क्लिक करके आप बना सकते हैं। ओके, जैसे नाम हुआ, तारीख हुआ, कुछ भी, कुछ भी एनीथिंग जो आपके लिए सुटेबल। और कुछ पूछना है किसी और को? चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हमने एक छोटा सा डेटा आपके सामने क्रिएट किया, छोटे डेटा पे इफेक्ट जल्दी समझ में आता है इसलिए हमने छोटा डेटा लिया। तो ये हमारी पार्ट टू में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी अभी तक जो नॉर्मली हमने फॉर्मेट की उसमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेल के अंदर क्या वैल्यू है। कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने कुछ कंडीशन लगाए लेकिन उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है लिमिटेड,
अब आपको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस्तेमाल करते समय सबसे पहले हम एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे किसको हमें करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाइलाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू में हमने यहाँ पे सेल वैल्यू पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। सेल वैल्यू अगर किसी नंबर से बड़ा हो तो नंबर बाय डिफॉल्ट 48 आ रहा है। अब यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से 50, 60, 70 जो देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कलर की बात रही तो इसके बगल में कलर है, आपको जो मर्जी कलर चूज करना कर सकते हैं। इसके अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग है, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, वो आपका हाईलाइट कर देगा। ये हाईलाइट ही नहीं करेगा, मेंटेन भी रखेगा आपके, मतलब जैसे कि अभी 34 हाइलाइटेड नहीं है लेकिन अगर कल के डेट में अगर 95 हो गया तो हाईलाइट हो गया, 53 अभी हाइलाइटेड है, कल के डेट में अगर 35 हो गया तो हाईलाइट हट जाएंगे। तो यहाँ से हाईलाइट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या इसके अंदर में, तो किसी नंबर से बड़ा हो तो हाईलाइट कर सकते हैं, लेस देन किसी नंबर से छोटा हो तो हाईलाइट कर सकते हैं, बिटवीन दो नंबर के बीच की जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, दो नंबर की बीच की जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें हो गए, उसके बाद इसमें जो आती है वैल्यू इस पे चलते हैं। इक्वल एग्जैक्ट सेल वैल्यू, देखिए लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन में आप नंबर और टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, नंबर और डेट सॉरी टेक्स्ट नहीं डाल सकते, नंबर और डेट। जैसे मैंने बोला ग्रेटर देन मुझे 3 सितंबर करना है तो 03 सितंबर डाला, तो सितंबर से बड़ा जितने भी डेट है सारे के सारे हाईलाइट हो गए। लेकिन किसी डेट किसी टाइम को सॉरी किसी टेक्स्ट को पर्सन को नहीं कर सकते, डेट टाइम को तो कर सकते हैं, नंबर को कर सकते हैं, बट किसी टेक्स्ट को नहीं, किसमें ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में। लेकिन इक्वल टू के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। इक्वल टू में मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, तो आप देख सकते हैं कि जो पूजा है उसको इसने हाईलाइट कर दिया। एग्जैक्ट सेल वैल्यू, इस तरह से मुझे एक एग्जैक्ट डेट में सिर्फ 4 सितंबर को हाईलाइट करना है, तो इक्वल टू में जाऊंगा और यहाँ पे 04 सितंबर करूंगा, हाईलाइट हो जाए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ इक्वल टू में मैं यहाँ पे 36 को सेलेक्ट करूँ तो 36 हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज और भी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो चीजें कर लें टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जैसे भाई कहीं पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है, तो अगर आप इक्वल टू करते हैं तो हाईलाइट तो होगा नहीं, अगर इक्वल टू करते हैं तो देखेंगे पूजा, तो पूजा हाईलाइट होगा, पूजा सिंह नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं द टेक्स्ट दैट ऑकरिंग और इसमें मैं पूजा डालूंगा, तो पूजा हो या पूजा सिंह हो दोनों को दोनों हाईलाइट कर देगा, पूजा या पूजा सिंह दोनों को हाईलाइट कर देगा। उसके बाद यहां अगर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर हम बात करते हैं डेट ऑकरिंग की, तो डेट ऑकरिंग में सिस्टम जैसे मान लीजिए मुझे आज का डेट हाईलाइट रखना है,
तो टुडे के अंदर में अगर मान लीजिए कि मैंने 2 सितंबर डाल दिया, तो 2 सितंबर यहाँ हाईलाइटेड, लेकिन 2 सितंबर हमेशा हाईलाइट रहेगा। कल के डेट में खोलूं तो 3 सितंबर हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज करते हैं डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में मैंने यहाँ पे टुडे डाल दिया तो आज का सिस्टम डेट हाईलाइटेड है। अगर मैं ओके कर दूं और कल इस फाइल को खोलूं तो कल भी ये 2 सितंबर को ही हाईलाइट रखेगा। अगर मैं टुमारो कर दूं तो कल के डेट को हाईलाइट करेंगे, इन द लास्ट 7 डेज, 7 दिन की, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये सारा सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा, उसी को हाईलाइट करेगा। और फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से जो लेना चाहे कस्टम फॉर्मेट में जाके ले सकते हैं। इसी में अगर अब मैंने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाना है तो क्लियर रूल, आप सिलेक्शन या एंटायर शीट को हटा सकते हैं। अब मुझे इसमें आइकन्स का इस्तेमाल करना है या डेटा बार का इस्तेमाल करना है, तो इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं विजुलाइजेशन के लिए। यहाँ पे देखिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ इस तरह के आइकन्स के भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास Q1 एंड यहाँ मेरे पास Q2 है। अब Q1 में मान लीजिए 50 सेल है, Q2 में 60 है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉरी, एक का खुल गया। अब इसके लिए मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर हम लगा देते हैं तो इजीली हो जाएगा। जी हाँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आइकन्स के इस्तेमाल करेंगे तो देखिए दोनों में इजीली बता दे रहा है कौन बड़ा और कौन छोटा है। सिंपल, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात करते हैं क्या हम कुछ कंडीशन वगैरह फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि बेसिकली हर प्रोडक्ट का प्राइस 500 है, तो मैं क्वांटिटी को 500 से मल्टीप्लाई करके उसका 10% निकालना चाहता हूँ। अगर 10% 600 से बड़ा है तो पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर। तो जब भी आप फॉर्मूला या कस्टम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए आप जो है एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करें, न्यू रूल्स पे जाएं, यूज फॉर्मूला पे जाएं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं। ध्यान रखिएगा सिलेक्शन करना जरूरी है। तो यहां हमने सेलेक्ट किया D1 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इनको ब्रैकेट में, क्योंकि कैलकुलेशन चेंज हो रहा है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, का 10% ग्रेटर देन 600। और यहाँ हमने 2 के आगे का डॉलर हटा दिया, फॉर्मेट में गए, अपनी फॉर्मेटिंग लगा दी एंड ओके। अब आराम से इसको फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ पेंट कर सकते। देखिए जो कम है यहाँ पे, जैसे मैं 5 कर देता हूँ तो नहीं हाईलाइट हो, क्योंकि कम है, 600 से कम है, हाईलाइट कर दे रहा है। इसी में अगर मान लीजिए कि मुझे डुप्लीकेट हाईलाइट करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ मोबाइल फोन, यहाँ कुछ लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डबल होते ही हाईलाइट कर दे, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये डबल को हाईलाइट कर दे, ये हमारा डुप्लीकेट हाईलाइट कर दे। तो बेसिकली इस तरह के हम रिपोर्ट फॉर्मेटिंग और चीजों पे डिस्कस कर। अब जैसे कभी कभी हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग की क्लास है और फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने डेटा की फॉर्मेट चेक करना होगा कि जब तक फॉर्मेट को चेक ना करेंगे तो हम रिपोर्ट अच्छा से बनाएंगे। तो चलिए एक छोटी सी फॉर्मेटिंग हम आपको क्विकली बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि मैं किस तरह का बनाना चाहता हूं। एक रिपोर्ट फॉर्मेट मैंने कॉपी किया है जो आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? अब इसमें जो चार्ट है, बाकी जो चीजें हैं, ये चीजें तो होती रहेगी, लगेगी फॉर्मूले से, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है जिसको पैलेस किया गया है वो कैसे बनेगा, तो चलिए उसी चीज में हम उसी चीज को यहाँ बताते हैं।
सबसे पहले एक संभावित एरिया को लीजिए फॉर्मेटिंग बनाते समय और लेके एक कलर कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे कलर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ हेडिंग, अब पहले एक कॉलम को छोटा कर दीजिए ताकि पीछे से गैप रहे, और फिर एक कॉलम को छोटा कर दीजिए गैप के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी कलर को व्हाइट कर देता हूं। लेकिन व्हाइट के साथ थोड़ा सा बॉर्डर भी दिखना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ बॉर्डर पे आया। बॉर्डर पे आने के बाद इसकी कलर मैंने ग्रे कर दी, डार्क, थोड़ा सा डार्क ग्रे, और मोटा वाला लिया और इसको ले लिया। तो अब देखिए, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब इसमें आसानी से हम अपना सेल्स डैशबोर्ड वगैरह जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, क्या मर्ज करके सेल्स डैशबोर्ड। और इसको थोड़ा सा इसकी कलर जो है मैं अलग कर देता हूँ, थोड़ा ब्लू टाइप का, इसको बोल्ड करता हूँ, और बड़ा तो करूंगा ही करूंगा, तभी तो दिखेगा। और यहाँ पे स्लोगन होगा, यहाँ इसको मर्ज करता, मैं ऐसे जूम को कम कर रखा है। यहाँ पे स्लोगन, ईयर 2021 टू 2022, इसको भी मिडल कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड, ये हो गए। उसके बाद यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद फिर यहाँ पे हम अपना कुछ जो हमारे जो ये है स्लाइसर्स है, वो स्लाइसर्स आएंगे, और इसमें भी सेम हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी हम कलर जो है थोड़ा सा डार्क लेके और मोटा वाला कलर यहाँ बॉर्डर लेके और डार्क, फिर यहाँ कम, यहाँ पे इसको कलर को इसको छोटा करेंगे, और यहाँ हमारा कंपनी का लोगो और बाकी चीजें आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको भी व्हाइट कर दिया, और सेम प्रोसीजर, F4 शॉर्टकट भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको ये करना। अब इस पे जो है अपना मैं कंपनी का लोगो वगैरह आसानी से रख सकता हूँ, जो भी कंपनी का लोगो है के आप रख सकते हैं। मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर ओके। उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है जगह, इसको छोड़ देता हूँ बॉर्डर के लिए, और फिर एक इसको लेता हूँ यहाँ पे, इसको वाइट करना है। इस पे मुझे अपना स्लाइसर्स इंसर्ट करने से यहाँ पे स्लाइसर्स वगैरह इंसर्ट करने, या ऐसे यहाँ भी इंसर्ट करने। तो अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मेटिंग बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे जब रिपोर्ट जब बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग एट्रैक्टिंग फॉर्मेट तैयार करें। तो एट्रैक्टिंग फॉर्मेट आप कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसको कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ताकि यहाँ से फिर हम इसको बॉर्डर कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ देना है फॉर्मेट सेल। बॉर्डर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, डन। अब सेम चीज मुझे यहाँ भी करने हैं, इसमें भी मुझे कुछ लिखना है, F4 प्रेस कर दीजिए, तो सेम अप्लाई हुआ, लेकिन कलर अप्लाई नहीं हुआ, बॉर्डर अप्लाई। एक काम और कर सकते हैं कि आप इसकी फॉर्मेट पेंट कर लें और पेंट करते चले जाएं। सॉरी, मुझे एक छोड़ के करना है ना यहाँ पे, तभी तो बीच में बॉर्डर आएगा। इसको लीजिए, फॉर्मेट पेंट कर लीजिए, और यहाँ से इसको पेंट कर, और पेंट करने के बाद हम एल कॉलम को छोटा कर दें, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में मैंने इंसर्ट किया,
ए वाला पार्ट, तो इसको लेके मैंने यहाँ पे कुछ इस पे मुझे दिखाना है इसकी, यहाँ से इसको अब इसकी कलर को मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ नो, और इसकी जो बॉर्डर है नहीं इन्होंने वाइट कर दिया माफ कीजिएगा, हमें सेव फॉर्मेट पे जाके और यहाँ पे नो फिल कर, नो फिल इसलिए ताकि मैं पीछे की चीजों को देख सकूं। अब यहां से मैं इसको सेलेक्ट करके यहां से सेलेक्ट करके अपने इस डेटा को भी सेलेक्ट कर देता हूं और यहां मैं इसकी कलर व्हाइट कर देता हूं, और फिर इसको हम इस तरह से यहां पे पैलेस करेंगे ताकि ऐसा लगेगा कि ये इसी का पार्ट है। अब इसमें हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली करते तो इसमें टाइप करना मुश्किल होगा, इसमें लिंक वगैरह हम नहीं कर सकते थे, बट यहाँ आप ईजिली लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक चार्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ से चार्ट का एक एरिया हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, उसके बाद यहाँ एक हमारा एरिया आएगा, तो इस तरह से हम अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब इसके बाकी जो फॉर्मूला वगैरह चार्ट वगैरह जो आगे क्लासेस में सिखाऊंगा आप सीखेंगे और इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम अपने डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं, तो आप लोग आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, साथ में कुछ फॉर्मेटिंग ही भेजूंगा जो आपको बना के मुझे भेजनी है कल की क्लास में, तो कल हम इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। और जिन